नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस डैशबोर्ड की क्लासेस में। और इस डैशबोर्ड की क्लासेस में हम टैबलू पे एक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, COVID-19 की डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसका डेटा हमें टैबलू की साइट से ही डाउनलोड किया है CSV फॉर्मेट में। तो टैबलू हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ से अब देखिए माइक्रो CSV फॉर्मेट है, इसमें तो एक्सेल नहीं है। एक्सेल पे कनेक्ट कीजिएगा तो वो CSV फॉर्मेट आपको दिखेगा नहीं, देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो CSV फाइल हमेशा टेक्स्ट फाइल में होता है, तो इसको सेलेक्ट किया हमने, देन ओपन। अब यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बार अपडेट नाउ करते हैं। डेटा दिख गया, इसमें रिपोर्टिंग डेट है, कॉन्टिनेंटल नेम है, ये आपका कंट्री अल्फाबेट 3 डिजिट का है, ये आपका कंट्री नेम है, ये कंट्री कोड्स है, और कितने डेथ हुए हैं, कितने केसेस हुए, डेट वाइज। तो सीट वन पे हम चलते हैं, यहाँ पे सीट वन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं हम यहाँ पे पहला मैप चार्ट बनाना चाहते हैं। सबसे पहला मैप चार्ट, मैप चार्ट लिए। अब यहाँ पे हम देते हैं अपना कंट्री कोड 2 डिजिट का और केसेस, और शो मी जाके मैं इसको मैप को ले लेता हूँ। मैप आ गया, मैप जब यूज करते हैं तो आपके पास एक्सेल का ये होना चाहिए, तो ये इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद मैप में आते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड में जाते हैं, इसको डार्क कर देता हूं, और डार्क करने के बाद मैं इसका लेयर्स ले आता हूं, मैप लेयर्स। लेयर्स में इसका जो थोड़ा सा है, इसकी बैकग्राउंड के पीछे है, तो कम डार्क कर देता हूँ, कर दिया। उसके बाद मुझे इस पे इसका कंट्री नेम भी चाहिए होता है, तो एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ से कंट्री नेम को लिया और मैंने लेवल पर रख दिया, यहाँ पे कंट्री नेम आ गया। और केसेस भी चाहिए मुझे इसके अंदर, तो मैं केसेस का काउंट जो है टेबल के ऊपर रख देता हूँ, इसके नीचे इसका काउंट आ जाता है, ओवरऑल आ। उसके बाद फिर हम उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, मेरा एक मैप एक चार्ट तैयार हो चुका है। दूसरा हम यहां पे आते हैं, दूसरे चार्ट में मैं यहां पे लेता हूं कि यहाँ पे डेट वाइज किस डेट में कितने केसेस हुए हैं। लाइन चार्ट ले लेता हूँ, लाइन एरिया चार्ट, हाँ एरिया चार्ट सही रहेगा। ईयर वाइज है तो ईयर को हम यहाँ से करते हैं, तो ये हमारा क्वार्टर वाइज आएगा। मंथ वाइज कीजिए तो ये आपका मंथ वाइज आएगा। डेट वाइज भी कर सकते हैं, पर डेट वाइज कुछ इस तरह से आएगा आपका अप डाउन। और इसमें आप पेज फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, जैसे रिपोर्ट डेट में मैंने डाला, रिपोर्ट डेट को पेज फिल्टर में मैं डाल देता हूँ। पेज फिल्टर में आपका यहाँ आता है, अब ये ईयरली है आपका, मैं ईयरली के जगह पे एक्सट्रैक्ट डेट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट डेट करने पे यहाँ पे हाईलाइट ऑल, और यहाँ पे नन के जगह पे मैं एक कलर देता हूँ मार्क्स। उसके बाद इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड इस तरह का लाइनिंग बन के आता है। ये एनिमेटेड होता है, लेकिन डेट काफी ज्यादा है, सर काफी दिन का डेटा है, इसलिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। हो गया, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल।
कर्व लाइन को भी शो कर सकते हैं। सो ड्रॉप लाइन, नीचे ड्रॉप हुआ वो लाइन भी दिख रहा है। फॉर्मेट पे भी आ सकते हैं यहाँ पे, रो कॉलम जो फिल्टर करना कर सकते हैं, फिल इसको ले लेते हैं। उसके बाद सेकेंड में आते हैं, मैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल के हिसाब से मैं यहाँ पे केसेस को लेता हूँ और इस बार मैं ये मैप चार्ट यूज करता हूँ और इसको शॉर्ट कर देता हूँ। शॉर्ट हो गया, और यहाँ पे भी हम सेम, अब यहाँ पे कुछ सम दिखाना है कि टोटल केसेस कितने हैं, टोटल डेट कितना है, इस तरह का हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएटेड कैलकुलेटेड फिल और यहाँ पे टोटल पॉजिटिव और इसके जगह यहाँ पे हम इसको सम कर देते हैं, सम और इसको सेलेक्ट करते हैं यहां से और इस टोटल सम को हम यहां रखते हैं ऊपर, इसको इसको जो है हटा देता हूं। ओके, और इसमें जरूरत नहीं है टेक्स्ट, यहां पे नीचे मैं दे देता हूं टोटल और इसकी साइज थोड़ा सा से बढ़ा देता हूं यहां पे 24 और इसको अंडरलाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसके स्टैंडर्ड के जगह पे फिट टू विड्थ नहीं, फिट टू हाइट, फिट टू विड्थ। अब इसकी फॉर्मेट पे आना पड़ेगा मुझे, फॉर्मेट कॉलम्स नहीं सीट, अलाइनमेंट में डिफॉल्ट के जगह पे हम यहाँ पे इसे दे देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि सेंटर में होगा और यहाँ पे एंटायर व्यू खुलूंगा वो भी सेंटर में रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ डेप्थ, और इस पर भी मैं कैलकुलेटर फिल करता हूँ यहाँ पे टोटल और यहां हम करते हैं सम। इसको उठा के यहां डालते हैं और डालने के बाद हम यहाँ टेक्स्ट पे आते हैं, अलाइनमेंट पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं 26, इसको अंडरलाइन करते हैं, अप्लाई, देन ओके। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेट में आते हैं, फिर यहाँ इसको सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक की जगह पे सेंटर, यहाँ पे विड्थ
यहाँ पे एंटर दी। नीचे देखो, अब यहाँ ये हो गया, डेथ हो गया हमारा, ये टोटल पॉजिटिव केसेस हो गए। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक चीज और करना है, मैं डेट को उठाता हूँ यहाँ पे। कॉन्टिनेंटल नेम को रखता हूँ रो में, और डेट को रखता हूँ फिर रिपोर्ट डेट को, और फिर इसके अंदर केसेस को रखता हूँ। तो ये रिपोर्ट फॉर्मेट है, लेकिन इसको शोमी में लेके चलना है। इसको ऐसे ही फॉर्मेट में रहते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये एक टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए थोड़ा सा। या फिर इसको आप चाहो तो इस फॉर्मेट में भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मेट में सही नहीं लग रहा। अगर इसमें बात करो तो इसमें भी सही नहीं लग रहा है। हाँ, इसमें लाते हैं तो ये थोड़ा सा सही है, ये हाँ ये ठीक रहेगा। उसके बाद वैसे ही हम सेम रिपोर्ट डेट को यहाँ रखते हैं और डेथ को रखते हैं कि डेथ क्या है, केसेस कंपेयरिंग डेथ, केसेस को कॉन्टिनेंटल देना है ना, कॉन्टिनेंटल। हाँ कॉन्टिनेंटल आ गया यहाँ, हम कॉन्टिनेंटल नेम, और इसमें हम देते हैं केसेस और डेथ, दो केसेस और डेथ यहाँ पे दोनों कंपेयरिंग में आ रहा है। सही रहेगा, केसेस को रख देता हूँ लेवल में। अगर इसको हम टेबल फॉर्म में रखते हैं तो क्या होगा, केसेस एंड डेथ। अब मैं इसको इस फॉर्मेट में देता हूँ रिपोर्ट, हाँ ये केसेस डेथ, केसेस डेथ, आप सही है। अब चलिए हम यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। डैशबोर्ड सबसे पहले मैप चार्ट को रखते हैं, और इसकी सबसे पहले तो मैं इसका लेआउट यहाँ पे आते हैं, यहाँ इसका जो लेआउट है इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। उसके बाद यहाँ से हम हो गया ओके, और ये चीज हम यहाँ ऊपर में देते हैं,
डेथ थोड़ा सा नीचे है, तो डेथ को यहाँ नीचे रखते हैं। और ये जो डेथ यहाँ लिखा आ रहा है ना, इस पर राइट क्लिक करके हाई टाइटल्स कर देता हूँ, और इस पर भी हाई टाइटल कर देता हूँ। हाई टाइटल, टाइटल की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ जो है हमारा एक फॉर्मेट में था ना हमारा, उसके डैशबोर्ड में आते हैं। और ये जो है हमारा सी टू में दिया है ना, यहाँ पे इसका ये है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और यहाँ आपका सीट सिक्स जो है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, फॉर्मेट में आता हूँ, इसकी साइज को छोटा कर देता हूँ, फिल। हाँ, यहाँ हम चलते हैं यहाँ पे, चौबीस की जगह पे मैं इसको 16 कर देता हूँ आगे। और यहाँ भी डेप्थ में भी हम इसको यहाँ आते हैं, और इसको भी हम 16 कर देते हैं। इस डेथ को उठाते हैं और इस साइड में रख देते हैं, यहां से हम राइट क्लिक हाइड इट। टोटल डेथ है और सामने दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। ये आपका केसेस है, ये थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसकी भी राइट क्लिक करके हाई टाइटल, इसकी भी राइट करके हाई टाइटल। टाइटल जरूरी नहीं रखना, बट आप चाहे तो रख सकते हैं। अच्छा से बेटर लग रहा है। उसके बाद यहाँ जो आता है, ये जो हमें दिया हुआ सीट सिक्स को इसके नीचे डाल देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, हाई टाइटल्स, यहाँ पे हाई टाइटल्स, और इसको थोड़ा सा ये आपका तैयार हो गया रिपोर्ट। बट इसमें छोटे से मैं फाइनल यहाँ पे क्लिक करता हूँ फाइनल फ्रेम, और फाइनल फ्रेम करने के बाद शो टाइटल करना चाहते हैं तो शो टाइटल कर सकते हैं, कि नहीं करना चाहते कोई बात नहीं। तो इसके फॉर्मेट में आते हैं, डैशबोर्ड, डिफॉल्ट कलर नन, डिफॉल्ट कलर में हम ये ले लेते हैं जो हमारा, इसकी ले लेते हैं, इसका जो डिफॉल्ट, इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो सीट टू पे आते हैं। मैं एक काम और कर देता हूँ, मैं पा गया, हाँ इसका जो
वर्कशीट। इसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना था। हो गया ग्राम टोटल हो गया। यहाँ के लाइनिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं गियर लाइन देने की जरूरत तो नहीं है। डैशबोर्ड फाइनली बन के हमारा तैयार हो चुका है। इसमें फॉर्मेटिंग का अंत नहीं, इसमें और ज्यादा जितना ज्यादा फॉर्मेटिंग करना चाहे उतना इसमें फॉर्मेटिंग की जा सकती है, बट एक अच्छी रिपोर्ट, एक अच्छा डैशबोर्ड बन के आपके सामने तैयार हो गया। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको और कितने अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो हमसे बात कीजिए। थैंक यू।